और रेलवे ट्रैक पर एनएच पर कोई ना कोई घटना इस बार होना है तो होना है। जिसका फसल खेतों में रखा हुआ है वहीं आप दौनी करिए, खरियान निपापती पानी तानी का ये भी टेंशन मुक्त हो जाए। जिस खेत में अलगौनी करके रखिएगा उसी खेत में आप अलगौनी कर। पास गांव घर टोला मोहल्ला गली कोंटा में प्रदूषण फैलता है, मसूर की बोझा चोरी होता है, उसका हम दवा लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि इस बार हम चोरी डकैती नहीं करने देंगे। और जो व्यक्ति चोरी डकैती करेगा उसके लिए हम इतना बात को उछालेंगे ताकि आपके बीच और मेरे बीच माफी मांगने से मजबूर हो जाए। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मसूर फसल तैयार को लेकर पिछले कई वर्षों से कई तरह की घटना दुर्घटना चोरी डकैती हुआ है, तो उसी को रोकथाम के लिए हम बात करने के लिए आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। लगभग मसूर की फसलें पककर तैयार हो गया है और फसल तैयारी जो होता है तो फसल कभी बोझा चोरी हो जाता है तो कभी मसूर का दाना चोरी हो जाता है तो कभी खरियान पर से फसलें चोरी हो जाता है, वो बोझा बन लेने के वक्त। मसूर दौनी दमाही जो होता है NHSC और रेलवे ट्रैक के बीच फील्ड रेलवे ट्रैक में और जहाँ तहाँ इर्द गिर्द होता है, तो मसूर की जो दौनी दमाही भूसा जो होता है उस धुलकन जो उड़ता है उस कोहरान से आसपास गांव घर टोला मोहल्ला गली कोंटा में प्रदूषण फैलता है। साथ में कभी कभी रेलवे को अप डाउन करने में कोहरान से धीरे चलना पड़ता है, तो कभी NH पर दौनी दमाही की भूसा की कोहरान से धुओं से लगभग 40 फीट 50 फीट पर व्यक्ति को सही से ड्राइवर को दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कारण से 90% घटना दुर्घटना होने की चांस रहता है। कि आप जो फसल इस बार दौनी दमाही करिएगा तो जहां फसल अलगाइएगा अलगौनी करिएगा वहीं पर दौनी दमाही करना है, न कि रेलवे NH के बीच में खरियान पर लेकर जाना है दौनी दमाही करना है। हालांकि पिछले कई वर्षों से NH कभी तो रेलवे ट्रैक पर किसी तरह का घटना दुर्घटना कई प्रकार के सामने आई है, ये सब रुक जाएगा घटना दुर्घटना। बात जो व्यक्ति अलगौनी करना चाहते हैं मजदूर व्यक्ति है, अगर वो जिस खेत में अलगौनी करके रखेगा उसी खेत में आप अलगौनी करिए ताकि आप घटना दुर्घटना से बच जाइएगा। बात रहा कि जो आप किसान हैं, किसान दौनी दमाही खेत में कैसे करेगा, देखिए बहुत बड़ा सा तिरपाल लगाइए या तो जाल लगाइए, जाल बहुत तरह का मिलता है उस पर दौनी दमाही करिए। आपको भी खेत खरियान में खरियान निपापती पानी तानी का ये भी टेंशन मुक्त हो जाए। बात रहा भूसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए हाईवे रोड बन रहा है, हाईवे रोड पर भी ज़्यादा गाड़ी घोड़ा चल रहा है, हो सकता है कि बंगाली टोला के पूरा सामने हाईवे की रोड कम मिट्टी आ जाएगा 10 दिनों में, तो उस पर भी चढ़ौन उतरौन इधर से उधर करने में काफ़ी भारी दिक्कत होगा। हो सकता है हाईवे पर भी कोई घटना दुर्घटना हो सकता है। जिस व्यक्ति का फसल खेतों में पड़ा हुआ है वो दौनी करने के लिए इधर उधर बौख रहा है घूम रहा है, पहले उसका दौनी दमाही करिए, ना कि जिसका फसल खेत से खरियान पर आ गया है NH और रेलवे ट्रैक के बीच में है उसका कभी दौनी नहीं करिए जल्दी। दौनी उसका घर में आ गया है फसल तो उसका जल्दी करना नहीं है, क्योंकि उसका घर के बगल में खरियान पर अस्थायी रूप से रखा हुआ है। जिसका फसल खरियान में रहता है खेतों में फंसा हुआ वो उसका अस्थायी रहता है। हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर थ्रेसर मालिक से कि जिसका फसल खेतों में रखा हुआ है वहीं आप दौनी करिए, उसका फटाक से न करिए। देखिए कितना विकास होता है, इधर हाईवे पर ट्रक इधर से उधर चलता है तो उसमें घटना दुर्घटना से बचेगा, रेलवे ट्रैक पर घटना दुर्घटना से बचेगा, NH पर घटना दुर्घटना से बचेगा, यानी बहुत सारा ट्रैफिक से बचेगा। देखिए हाईवे पर और रेलवे ट्रैक पर NH पर कोई ना कोई घटना इस बार होना है तो होना है। अगर जिसके साथ ये घटना दुर्घटना हो गया उसके साथ हम इतना बात को उछालेंगे पिछले कई वर्षों की बात आपके माइंड में चलेगा। पिछले कई वर्षों से किसान मजदूरों के साथ ये घटना हुआ है, जिसके कारण से हम इस वीडियो के बीच आपके बीच संदेश लेकर आना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर इतना करिए हर किसान हर मजदूर के पास पहुंच जाए। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट